अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ कुवैत की कुछ लाटेस्ट और इम्पोर्टेंट खबर लेकर। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुवैत फ्लाइट को लेकर। आपको बता दें जैसा कि कुवैत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनाउंसमेंट कर दिया है, जितने भी हेडलाइंस कुवैत के अंदर आएगा चाहे वो किसी भी कंट्री से आते हो, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, उन सभी को लेकर के निर्देश दिया गया है। उन सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट का जो PCR टेस्ट का कॉस्ट है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी कि उसी टिकट में जोड़ दिया जाएगा। जितने भी पैसेंजर कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे उन सभी को एयरलाइंस वाले ही PCR टेस्ट करवाएंगे उनके टिकट के अंदर। तो इसको लेकर के दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसा कि आदेश दिया गया है उसके हिसाब से जितने भी एयरलाइंस है उनका टिकट का डेट बढ़ा सकते हैं, ताकि उनका जो PCR का रेट उसमें इंक्लूड किया है उनकी वजह से सभी इंटरनेशनल जितने भी कमर्शियल फ्लाइट हैं उनका रेट बढ़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों इसको लेकर अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस बारे में सभी एयरलाइंस वाले ने इस फैसले से बताया है कि एयरलाइंस का टिकट बढ़ सकता है। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुवैत कैबिनेट में मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान बताया गया कि कुवैत के अंदर 4 दिन का हॉलीडे मनाया जाएगा जो कुवैत का नेशनल डे है। उसी दौरान बताया गया है कि 25 फरवरी से 28 फरवरी तक कुवैत के अंदर छुट्टी रहेगी। इस दौरान कोई भी कुवैत के अंदर ऑफिशियल काम नहीं होगा, सभी ऑफिस बंद रहेंगे और जितनी भी कंपनी है कुवैत में, फिर चाहे वो प्राइवेट हो जो भी हो, उनके ऊपर भी पाबंदी रहेगी। उस दौरान कुवैत हेल्थ मंत्रालय ने सभी को आदेश भी दिया है कि खास तौर से कोरोना वायरस का ध्यान रखें, यानी कि सभी लोग को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और बता दें पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह का शोरगुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट थी कुछ जो मैंने सोचा कि इसे आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग कुवैत में रहते हो तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं और किसी नई अपडेट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।